नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि नई जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसका बहुत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो, जैसे पति पत्नी में अनबन, घरेलू कलह कलेश, प्यार में धोखा, प्रेमी का बिछड़ना, रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश आदि समस्याओं से ग्रसित भक्तजन बेझिझक हमें संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा एवं आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप अभी संपर्क करें। धन्यवाद। और मित्रों, हम जो भी विधियां आपको बताते हैं उनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, अतः जैसे बताया है वैसे ही करें। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं विधि के बारे में। तो मित्रों, हम हमेशा की तरह आज भी सबसे पहले विधि का समय जान लेते हैं कि विधि का समय क्या रहेगा। तो मित्रों, ये जो विधि है ये आपको रात्रि के समय में करनी होगी। किसी भी वार की रात्रि में आप कर सकते हैं, किसी भी पक्ष की रात्रि में आप कर सकते हैं, पर समय आपको रात्रि का चुनना होगा। माताएं बहनें थोड़ा ध्यान रखें कि कठिन दिनों में ना करें, और कोई भी पुरुष या महिला मांस मदिरा का सेवन करके इस विधि को ना करें। बहुत ही ताकतवर वशीकरण विधि है जो आपके प्यार को, चाहे वो कितना भी दूर बैठा हो, आपके पास ला सकता है। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से करेंगे, ध्यानपूर्वक करेंगे और अपने प्यार को हासिल कर लेंगे। अब आ जाते हैं इसकी सामग्री के ऊपर। तो सामग्री में मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने कागज लिया है। आपको भी कागज ले लेना है, इससे बड़ा भी आप ले सकते हैं, इतना भी आप ले सकते हैं। दूसरी सामग्री आपको कलम लेनी है, पेन किसी भी कलर का लीजिएगा, पर काले कलर की स्याही वाला आपको कलम इस्तेमाल नहीं करना है। दो सामग्री के साथ आपको ये विधि शुरू करनी होगी। रात्रि में 11 से 1 के बीच में आपको विधि करनी है, एकांत में बैठकर करनी है, अच्छी तरीके से करनी है। आसन बिछाकर बैठ जाएंगे मित्रों और ये विधि शुरू कर लेंगे। सबसे पहले मित्रों, विधि में करना क्या होगा कि सबसे पहले हमें इस विधि में मंत्र लिखना है कागज के ऊपर। मित्रों, मैं मंत्र लिख देता हूँ, ध्यान से आप देखिएगा, हम मंत्र अच्छी तरीके से लिखेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए। मंत्र है, हे आदिशक्ति, सामने वाले का नाम लिखना है यहाँ पे। जी हाँ मित्रों, सामने वाले व्यक्ति का नाम, जिसका भी आवश्यकरण करने जा रहे हैं उसका आपको नाम लिखना होगा। सर्व त्राटक, सर्व त्राटक, त्राटक का मतलब मित्रों आपको मालूम ही होगा, त्राटक का क्या अर्थ होगा मैं आगे भी समझा दूंगा आपको, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। वशीकरण, स्वीकार, कुरु, नमः, ये आपको लिखना है, मात्र इतना लिखना है मित्रों। इसके अलावा आपको इस कागज पे कुछ भी नहीं लिखना है, जैसा कि हम अमूमन विधि में बताते हैं सामने वाले का नाम वगैरह लिखना है, वो कुछ भी नहीं निकला। आपको सिर्फ लिखना है, हे आदिशक्ति, सामने वाले का नाम, सर्व त्राटक वशीकरण, स्वीकार कुरु, नमः, ये आपको लिखना है कागज के ऊपर। यह लिखने के बाद इसको आप फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरीके से मित्रों, आप फोल्ड करेंगे इसको, जितना छोटा फोल्ड कर सकते हैं उतना आप कर लीजिएगा आपकी सुविधा के अनुसार। इसके बाद आपका पेन का कार्य समाप्त हो जाएगा उस रात्रि का। और जब आप मित्रों फोल्ड अच्छी तरीके से कर ले, उसके बाद आप इसको सीधे हाथ में रख लेंगे। सीधे हाथ में रखकर मित्रों आपको इसी मंत्र का जाप करना है जो आपने लिखा है। मैं मंत्र बोल देता हूं, ध्यान से आप मंत्र को सुनिएगा। मंत्र है, हे आदिशक्ति, सामने वाले का नाम, सर्व त्राटक वशीकरण, स्वीकार कुरु, नमः। हे आदिशक्ति, सामने वाले का नाम, सर्व त्राटक वशीकरण, स्वीकार कुरु, नमः। 251 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। जब आप 251 बार जाप कर दें, उसके बाद आपको ये जो आपने कागज अभिमंत्रित किया, अब ये बेहद ही ताकतवर तांत्रिक विधि हो चुका है। अब ये साधारण सामग्री नहीं है, ये बेहद ही ताकतवर तांत्रिक सामग्री हो चुकी है। इसको आप अपने सिरहाने के नीचे रखकर सो जाएंगे और फिर अगले दिन से
पूरे दिन आप अपने पास रखेंगे। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आप अपने पास रख लेंगे और फिर पूरे दिन ये कागज आपके साथ रहेगा। यह मित्रों पूरे दिन आपको साथ में रखना है और उसी दिन की रात्रि यानी कि जिस दिन आपने पूरे दिन साथ में रखा है दूसरे दिन की रात्रि में आपको इस कागज को खोलना है। अच्छी तरीके से मित्रों खोलिएगा और कागज को खोलकर आपको इस मंत्र को दूसरी बार लिखना है। हे आदिशक्ति, मित्रों ध्यान से सुनेगा, मैं जो बोल रहा हूँ गौर से सुनेगा। पूरे दिन आपको कागज को अपने पास रखना है दूसरे दिन और फिर रात्रि के समय में उसी समय में जहां पर आपने पहले दिन की रात्रि का कार्य किया था आपको मंत्र वापस लिखना होगा। वशीकरण स्वीकार गुरु नमः। आप छोटे छोटे अक्षरों में भी लिख सकते हैं, हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, तब हमें बड़े अक्षरों में लिखना पड़ रहा है। ये आपको लिखना है और फिर फोल्ड करके इसे उसी मंत्र से 251 बार अभिमंत्रित कर देना है। दूसरे दिन आपको ये करना है, तीसरे दिन पूरे दिन अपने पास रखना है, तीसरे दिन की रात्रि में फिर से एक मंत्र लिखना है और फिर उसे अभिमंत्रित करना है। कुल 11 बार आपको मंत्र लिखना है। पहले दिन की रात्रि जिस दिन आपने रात्रि में शुरू किया था वो पहला दिन होगा, बाकी के 10 दिन आपको और मंत्र लिखना है और 251 बार रोज अभिमंत्रित करना है। यानी कि मित्रों 11वें दिन की रात्रि तक आपको यह करना है। जब आप 11वें दिन की रात्रि 11वीं बार यह मंत्र लिखकर 251 बार उसे अभिमंत्रित कर दें, उसके बाद इसको सिराने के नीचे रखकर सो जाइएगा। 12वें दिन की सुबह मित्रों आपको ये कागज किसी पीपल के पेड़ की जड़ पर डालकर आना है। जी हाँ, पीपल की पेड़ की जड़ पर आपको दफना कर आना है और वहाँ दफना कराकर सीधे अपने घर आकर काम में लग जाना है। आपकी विधि समाप्त हो चुकी होगी। सामने वाला इन्हीं 11 दिनों के भीतर भीतर आपके वश में हो चुका होगा, उसके अंदर बेहद बदलाव आ चुके होंगे, उसका व्यवहार आपके लिए बहुत बदल चुका होगा। अगर आपसे अनबन है तो वो खत्म हो चुकी होगी, रिश्ता सही नहीं चल रहा है तो वो वापस लाइन पे आ जाएगा, और अगर आपको धोखा मिल रहा है आपके प्यार से तो आपका प्यार वापस आपकी तरफ आ जाएगा। मित्रों प्यार पाने के लिए इन विधियों का आपको इस्तेमाल करना है, पर साफ सुथरी नीयत से अच्छी तरीके से करना है। और मित्रों ये भी ध्यान रखना है, कमेंट सेक्शन में जो नंबर चल रहे हैं वो हमारे नहीं हैं, वो नंबर फर्जी हैं, वो नंबर फ्रॉड है, उनसे बचें, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप हमें संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर आप संपर्क कीजिए। आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान बताकर आपके जीवन में सुख लाया जाएगा। बाकी मित्रों विधि को अच्छी तरीके से कीजिएगा, बिना कोई गलती किए कीजिएगा, साफ सुथरी नीयत से कीजिएगा, आप जरूर सफल होंगे। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। मित्रों विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, जैसे पति पत्नी में अनबन, घरेलू कलह कलेश, प्रेमिका बिछड़ना, रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन का आना, प्यार से शादी ना हो पाना आदि समस्याओं हेतु आप हमें संपर्क करें, और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें, आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।